गुड मॉर्निंग मैंगो फैमिली। और सोचो सुबह उठते उठते मैंने देखा इतने अच्छे व्यूज़ और इतने बढ़िया सब्सक्राइबर बढ़े हुए, मेरे को इतनी खुशी हुई। थैंक यू सो मच। एंड इट्स 9th of October और इट्स माय सिस्टर्स बर्थडे, सो उसको विश करती हूँ जाके। रात को तो मैं सो गई थी, बहुत थकी हुई थी, कल मार्केट गई थी, तो साथ में चाय पीते हैं। देख हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितने साल की होगी? कहेगी हुई तेरा 2 साल कम कर ले। 2 के 4। शी इज 4 years younger than me and say all of the mango family here say happy birthday to her, happy birthday moto। आज के व्लॉग में कमेंट आने चाहिए बहुत सारे हैप्पी बर्थडे के। और गेस व्हाट, कल मेरे पापा का बर्थडे है, एक दिन बाद, जस्ट पहले ये पैदा हुई फिर पापा पैदा हुए। बस तो हो गया, कितना मोटा हो रहा है, खा खा के। मॉर्निंग एवरीवन, सुबह का बज रहे हैं 9 और मैंने अभी अभी अपना ब्रेकफास्ट बनाया। ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं होता एक्चुअली। मैं सुबह ज़्यादातर पनीर खाना पसंद करता हूँ ब्रेकफास्ट में, तो मैंने आज वो कच्चे खा लिया, पकाने वकाने की जहमत नहीं की। गर्मी कम होने की जगह वापस बढ़ती जा रही है और मेरा मोटापा भी नहीं बढ़ता जा रहा है। कल रात को इतनी क्रेविंग्स हो गई थी मुझे कि मैं रात को उठा, मैंने पापड़ तले, पापड़ खाए, उसके बाद मैंने जितने भी फ्रूट्स पड़े थे फ्रूट्स खाए, चीज़ पड़ा था, मैं चीज़ के क्यूब्स को नमकीन के ऊपर मेल्ट करके खा गया। मतलब इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी मेरे को कल रात को, और अभी सुबह मतलब इतना रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि कल रात को मैंने ऐसा क्यों किया, मैं कंट्रोल कर लेता तो डाइट ख़राब नहीं होती। सुबह सुबह चाय का शॉट नहीं ले सकते तो क्या हो, कॉफ़ी का शॉट लेंगे। कॉफ़ी का पता नहीं, मैंने जहर ज़रूर बना लिया है एक्चुअली। कॉफ़ी इतनी ज़्यादा ढंग की थी गलती से मुझसे कि पिया भी नहीं जा रहा। अभी मैंने पानी और ऐड किया है। सी पापा, दैट्स माय मॉम, पहले की फ़ोटो मम्मी की, ब्यूटीफुल ना, दैट्स माय ब्रदर। और फोटोज़ दिखाऊँ मेरी कुछ, ये देखो ऊँट के ऊपर, ये तो मम्मी पापा की फ़ोटो है। अगेन मी, दैट्स माई मामा मामी एंड उनकी फैमिली। एंड ये मेरी मोटो की शादी की फ़ोटो है, मैं बात अच्छे से दिखाती हूँ। मेरे और मोटो की शादी की फ़ोटो। उसकी बर्थडे विश ये है कि दिवाली की सफाई करवा दूँ मैं मम्मी को, और अच्छा भी है, मम्मी परेशान होगी अकेले, मैं चली जाऊँगी 1-2 दिन में। तो दीपावली की सफाई की कड़ी में उसने एक रूम लिया है, एक रूम मैंने लिया है, तो हमने कॉम्पिटिशन किया है कौन पहले करेगा। ये वाला रूम जिनू साफ कर रही है, जिनू मतलब मेरी सिस्टर, एंड ये वाला रूम मुझे साफ करना है पूरा। When you are too afraid of Shakti। दिवाली की धुआंधार सफाई के बाद मैं नहा चुके हूँ, और आपको ये पीछे कुछ दिख रही होगी, देखो ये हाथ बने हुए मेहंदी का और सिंपल, ये शादी में हमारे बनाते हैं राजस्थान में, इसको बोलते हैं थापा लगाना। तो जैसे शादी के 3 या 4 दिन होते हैं ना, तो शादी की रस्में जब स्टार्ट होती है ना, उसके बाद ये करना कंपलसरी होता है। इसमें शादी की डेट भी लिखी हुई है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा और मेरी सिस्टर, हम 3 भाई बहन हैं, तो मेरा और मेरी सिस्टर की शादी हो रखी है, तो हम दोनों का बना हुआ है। अब मेरे भाई की शादी होगी तब एक और ऐसा बनेगा घर में, तो ये लड़के वालों के यहाँ भी बनाते हैं और लड़के वालों के यहाँ भी बनाते हैं। ये देखो, ये है मेरा, इस मेरी शादी की डेट लिखी हुई है 24 मई 2018। ये मोटे का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे मेरा, और ये है मोटो और ये हूँ मैं। और ये वाला है 17th April 2019, मेरे तो बाल बनाए हैं उसके बाल नहीं बनाए, तो ये कितने सुंदर लगते हैं ना मारने से। और यहाँ पे स्पेस बची हुई है, ये देखो यहाँ स्पेस बची गई, यहाँ पे मेरे भाई का नाम, भाई का।
तो मैं अपने पॉइंट कम करवा रहा हूँ, लेकिन आपको गैस दिखी गई होगी कि कैसी गंदी हो रही है, तो मैं इसको साफ करूंगा और दिखा देता हूँ कैसा मैसे हो रहा है सब कुछ। लेकिन फिर भी अभी मैं एक सिंगल जैसी लाइफ जी रहा हूँ, तो आई एम डूइंग प्रीटी गुड फॉर दैट। चलो रोटियां बनाई जाए। चिन्नू दीदी का ऑर्डर आया जिसका बर्थडे है, और केक नहीं लाने दिया गया क्योंकि कोरोना है, और केक मना हो गया क्योंकि वो फ्रिज में रहता है, लेकिन जलेबियां आ गई। ये देखो हमारे घर में, ये भेदभाव है, ये जिन्नू के साथ भेदभाव है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। धूप से बचे रहो, डबल चीन निकल गई है। खाना बनाते हैं, सब्जी बनाई है जिन्ना ने और रोटियां बनाई है अंकिता। हूँ असं करन जा रहे हाँ मारवाड़ी अनबॉक्सिंग। ये देती पंजाबी, अब मारवाड़ी में बोलेंगे। ये हैं चूड़ियाँ, हाउ इज दिस ब्यूटीफुल ना। अभी थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ का फ़ोन आया था और वो बोल रही है कि उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं और उनके आस पड़ोस से जो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं वो लोग बोल रहे हैं कि उन्हें लग रहा है मैं पतला हो रहा हूँ, और लिटरली मुझे भी लग रहा है पिछले 3-4 दिन से कि मेरा वजन लगातार गिर रहा है। और एक्चुअली मुझे खुशी से मोटा हो जाना चाहिए कि मैं अकेला रह रहा हूँ, मेरी वाइफ अभी यहाँ पर है नहीं, लेकिन रिवर्स इफेक्ट हो रहा है, मेरा वजन गिर रहा है, मैं पतला हो रहा हूँ। शायद कीटो डाइट फाइनली असर कर रहा है मुझ पर, मैं फाइनली कीटो डाइट में किक इन कर चुका हूँ, तो मैं तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरा वेट लेकिन गिरे, बढ़े ना। और एक और चीज़, आज मेरी साली का बर्थडे, तो मैं सुबह से उससे बात नहीं कर पाया हूँ फ़ोन पे। एक्चुअली मैंने दिन में फ़ोन भी किया था मेरी वाइफ को कि मुझे उससे बात करनी, तब वो कुछ बिजी थी किसी काम में तो बात नहीं हो पाई, और उसके बाद मेरे को याद ही नहीं आया कि उसका बर्थडे है और मैंने उसको विश नहीं किया। तो अभी मैं सबसे पहले उसको विश करता हूँ, बाकी शायद मुझे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और वो मैं चाहता नहीं, क्योंकि इसका केक नहीं आया, दैट्स व्हाई शी इज़ अपसेट। एंड ये तैयार भी नहीं हो रही, ओनली टी शर्ट पजामे में बैठी है, और मैं इसको बोल रही हूँ रेडी हो जा, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ले, जो इसने फिर से मुंह सजा लिया है और पेड़े खा रही है। हो गई रेडी? दिल ये गाय तुम जीवो हजारों साल साल के।